लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक कुशीनगर की ओर अपना रुख कर रहे हैं। इसी क्रम में मथुरा की सांसद और फिल्म जगत की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पहुंची, जहां हेमा मालिनी ने बीजेपी प्रत्याशी विजय दुबे के समर्थन में जनसभा की और लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस दौरान हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए बिना विपक्ष के बहकावे में आए बीजेपी को वोट करने की अपील की। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की सुरक्षा के लिए और पाकिस्तान पर हुई सैन्य कार्रवाई का श्रेय देते हुए पीएम मोदी को बहादुर तो पूर्व के सभी प्रधानमंत्रियों को डरपोक कहा। व्यवस्था को इतना ऊपर लेकर गया, पूरा विश्व में हमारा नाम बनाया, बड़ा बनाया, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने, जो पहले कोई भी प्रधानमंत्री ये काम नहीं करता था, वो सब डरपोक बनकर चुप बैठे रहते थे। आतंकियों कितना आतंकवाद कितना क्या क्या करते रहे पूरा देश में हमारा, चुप रहे थे। होता है अभी जो भी होगा तो इमीडिएट हमारे प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब ऐसा दिया कि सब लोग चुप बैठे हैं अभी। और पास हमारे देश को चलाने के लिए, इस देश का संभालने के लिए व्यक्ति चाहिए, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने श्री कृष्ण के नाम से संबोधन की शुरुआत करते हुए खुद को मथुरा की गोपी बताई। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे, क्षेत्रीय विधायक जटाशंकर त्रिपाठी, राजेश्वर सिंह, पूर्व विधायक अतुल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुशीनगर से अनूप की रिपोर्ट।